बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाकियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अपनी ज़रूरत पेश करके कुछ सवाल किया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तेरे सवाल की वजह से जो मुझ पर हक कायम हो गया है वो मेरी निगाह में बहुत ऊँचा है और तेरी जो मदद मुझे करना चाहिए वो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा मकदार है और मेरी माली हालत इस मकदार के पेश करने से आजिज़ है जो तेरी शान के मुनासिब हो। और अल्लाह के रास्ते में तो आदमी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर ले वो कम ही है, लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरे पास इतनी मकदार नहीं है जो तेरे सवाल के शुक्र के मुनासिब हो। अगर तू इसके लिए तैयार है कि जो मेरे पास मौजूद है उसको खुशी से कबूल कर ले और मुझे इस पर मजबूर ना करे कि मैं इस मकदार को कहीं से हासिल करूं जो तेरे मर्तबे के मुनासिब हो और तेरा जो हक मुझ पर वाजिब हो गया है इसको पूरा कर सके, तो मैं बखुशी हाजिर हूँ। इस साइल ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, जो कुछ आप देंगे मैं इसको कबूल कर लूँगा और इस पर शुक्र गुजार होगा और इससे ज़्यादा न करने पर आपको माजूर समझूंगा। लिहाजा हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खजानची से फरमाया कि इन 3 लाख दिरहमों में से जो तुम्हारे पास रखवाए थे जो बाकी हो वो ले आओ। खजानची 50,000 दिरहम ले आए कि इसके अलावा सब खर्च कर चुके थे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 500 दिनार भी तो कहे थे। खजानची ने अर्ज किया, वो भी मौजूद हैं, आपने उनके लाने का हुक्म दिया। जब ये सब कुछ आ गया तो साहिल से फरमाया कि कोई मजदूर ले आओ जो इनको तुम्हारे घर तक पहुंचा दे। लिहाजा वो 2 मजदूर लेकर आए। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सब कुछ उनके हवाले कर दिया और अपने बदन मुबारक से चादर उतार कर मरहमत फरमाई कि उन मजदूरों की उजरत भी मेरे ज़िम्मे ही है, लिहाजा ये चादर फरोख्त करके उनकी मजदूरी दे देना। ये सारा माजरा देख कर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलामों ने अर्ज़ किया कि अब तो हमारे पास खाने के लिए 1 दिरहम भी बाकी नहीं रहा, आपने तो सबका सभी दे दिया। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात से इसकी कवी उम्मीद है कि वो अपने फजल से मुझे इसका बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फ्याजी और सैर चशम का यह आलिम था कि दोस्तों दुश्मन दोनों आपकी फ्याजी से यकसा फैसयाब और मुस्तफीद होते थे। एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक दुश्मन के पास सामान सफ़र और सवारी ना थी। उसने मदीना के लोगों से सवाल किया तो लोगों ने उसे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पता बताया, लिहाजा वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपने दोनों चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। इस पर बास लोगों ने एतराज़ किया कि आप अपने और अपने वालिद के दुश्मन के साथ ऐसा सलूक करते हैं। फरमाया, क्या इनसे अपनी आबरू ना बचाऊं? एक मर्तबा किसी ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़िक्र और नदारी मुझे मालदारी से ज़्यादा महबूब है और बीमारी मुझे सेहत से ज़्यादा पसंदीदा है। ये सुनकर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला हजरत अबू जर पर रहम फरमाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो शख्स अल्लाह के फैसले की उमदगी पर तवक्कुल करेगा वो इस हालत के अलावा दूसरी हालत की ख्वाहिश नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला ने उसके लिए पसंद फरमाई है। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।